अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान में जिला किसान सभा के द्वारा शुक्रवार को जिला समाहरणालय में प्रदर्शन किया। वहीं किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। जिलाधिकारी के द्वारा को सौंपे गए ज्ञापन में जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने, किसानों को सभी तरह के कर्ज माफ हो, 60 वर्ष के ऊपर सभी किसानों को, मजदूर को 10,000 पेंशन दिया जाए, जिले के सभी प्रखंडों में नलकूपों की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, फसल बीमा योजना पुनः लागू किया जाए, किसानों को अनुदानित मूल्य पर बीज, खाद, कीटनाशक दवा एवं कृषि यंत्र दिए जाए, कृषि पैदावार में लागत मूल्य दोगुना किया जाए एवं कृषि उद्योग का दर्जा दिया जाए, डीजल अनुदान से भेदभाव पर रोका जाए, मवेशियों को खाने के चारे की व्यवस्था किया जाए, भूमिहीन किसानों को 8 डिसमिल जमीन दिया जाए, दुग्ध उत्पादन किसानों को 10 रुपए अनुदान दिया जाए, इसमें शामिल था। प्रदर्शन में किसान कार्यकर्ता प्रभात कुमार पांडे, रमाशंकर सिंह, संयोजक जिला किसान सभा चंद्रभूषण प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद सिंह, धर्मराज कुमार, केदार राम, आनंदी सिंह, वीरेंद्र सिंह, छोटन सिंह, ललित शर्मा, राजकुमार यादव आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। जांच करेंगे तो 40 के लगभग आके सिमट गया है और इस जिले के अंदर सारे अधिकारी डीएम से बड़ा अपने को समझते हैं। इस जिले में बड़ा गजब हालत है। देवी दुब्बर बकरा मोर, कलेक्टर दुब्बर है और लोग उनसे ऊपर है। इसको बर्दाश्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ किसान मोर्चा के तमाम लोग नहीं करेंगे। तमाम किसान इस जिले के अंदर एकताबद्ध तरीके से जिलाधिकारी को, सिंचाई विभाग के जो पदाधिकारी गड़बड़ है, कृषि विभाग के पदाधिकारी गड़बड़ है, उस पर कार्रवाई के लिए सामूहिक तौर पर मांग करते हैं और जिला को, जिले के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हम समाहरणालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं सुना गया, ये टोकन आंदोलन है। आने वाले दिनों में नौजवानों और किसानों को संगठित करके पूरे जिले के काम धाम को ठप कर देंगे। तब तक कलेक्टर साहब की बात पूरे ऊपर की सरकार और नीचे के अधिकारी सुनेंगे ना। ये हम किसान सभा की तरफ से आए हैं डिमांड करने के लिए और भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों को डीजल अनुदान देना पड़ेगा, किसानों को लाभकारी लाभ मूल्यों को कीमत देना होगा और लागत से दोगुना कीमत में किसानों की खरीद फसल को करना होगा, इसकी गारंटी करना होगा। भारतीय किसान सभा शेखपुरा जिला कमेटी की तरफ से यह आयोजन हुआ है और आने वाले दिनों में यदि नहीं मानेंगे, एक बड़ी किसानों को संगठित करके आंदोलन छेड़ेंगे, यह हमारा डिमांड है। क्या नाम है? प्रभात कुमार पांडे, शेखपुरा जिले के अंदर किसान कार्यकर्ता।